अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ आलू मटर के समोसे। ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारी ये रेसिपी बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली आगे की वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये पोटैटोज़ मैंने बॉईल करके इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। पोटैटोज़ लिए हैं मैंने तकरीबन 350 से 400 ग्राम। मटर पीस ये मैंने ली है तकरीबन 3/4 कप। सॉल्ट एस पर योर टेस्ट। हल्दी 1/4 टीस्पून। ज़ीरा 1 टीस्पून। हरी मिर्चें ग्रीन चिलीज़ मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। हरा धनिया 1/2 कप, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टेस्ट पसंद है तो आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो कम भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 3/4 टीस्पून। धनिया पाउडर 3/4 टीस्पून। गरम मसाला तकरीबन 1/2 टीस्पून। चाट मसाला 1/2 टीस्पून। अब मैं आपको बताती हूँ ये रेसिपी हम बनाएंगे कैसे। ये मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, अब मैं इसमें सब चीज़ें ऐड करूंगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पोटैटोस। मैंने इसमें पोटैटोस ऐड कर दिए हैं। मटर, सॉल्ट, टर्मरिक मींस हल्दी, गरम मसाला, फ्रूट चाट मसाला, कोरिएंडर पाउडर मींस धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितना ज़्यादा पसंद है उतनी ज़्यादा आप रख सकते हैं स्पाइस लेवल के हिसाब से अपने। हरा धनिया अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, सिर्फ मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड नहीं किया है। ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी। आलू और मटर दोनों मैंने बॉईल करके लिया है, आप ये दोनों चीज़ें बॉईल कर लीजिएगा पहले ही। ये मैंने पैन ले लिया है और मैंने इसके नीचे चूल्हा जलाकर अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी अब ज़ीरा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने जो आलू का मिक्सचर बना के रखा है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ज़ीरा फ्राई हो गया है, इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर जो है अपना आलू का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर मिक्सचर ऐड कर दिया है आलू का। अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी 2-4 मिनट के लिए। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी, फिर हम इसके समोसे बनाएंगे। इस टाइम पे आप चाहें तो आलू को इस तरह चमचे से छोटा छोटा कर सकती हैं, जो आपको लगे कि आलू के पीसेस बड़े बड़े हैं आप इस तरह से उस टाइम से कर लें।
ये आप देख सकते हैं मैंने 2-4 मिनट इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है उसी ऑयल के अंदर, ज़ीरे के अंदर। ये रेडी हो गया है बिल्कुल सारा मिक्सचर। अब हम इसके समोसे बनाएंगे। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं सब चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं। ये आलू का मिक्सचर है जो हमें अंदर फिल करना है समोसे की पट्टी के अंदर, आलू और मटर की फिलिंग। ये मैंने थोड़ा सा मैदा लेकर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका मिक्सचर बना लिया है जिससे हम अपनी पट्टियाँ चिपकाएंगे। और ये समोसे की पट्टियाँ हैं जो मैंने ली हैं। ये मैंने एक समोसे की पट्टी ले ली है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग ऐड करूँगी। ये हमने इसमें फिलिंग डाली है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। अगर ज़्यादा लगे तो आप इसको थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं, कम कर लीजिएगा। इसको हम फोल्ड करते हुए आ जाएंगे। इस साइड में थोड़ा सा ये लगाऊंगी इस पे मैदा, इसको चिपकाने के लिए पट्टी को। और इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये समोसे का मैंने शेप दे लिया है, इसको समोसा बन गया है। इसी तरह से मैं बाकी सारे समोसे बनाती भी आ जाऊंगी। साइड ज़रूर देखिएगा कि कोई खुली ना रह जाए, वरना जो है इसमें से ऑयल भर जाता है। ये देखें मेरी साइड्स चेक कर लें आप, इधर से बिल्कुल बंद है और इस साइड से भी ये बिल्कुल बंद है। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं सेम उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया था, उसी से ये सब समोसे मैंने रेडी किए हैं। ये आप इसको चाहे तो फ्रीज भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट फ्राई करके खा भी सकते हैं। रेसिपी ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग को कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।